Sagan. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट इन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पासपोर्ट को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं। यदि दोस्तों आप ये सीखना चाहते हैं कि पासपोर्ट कैसे ऑनलाइन किया जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए यहाँ पर एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और अपना सीसी से रिलेटेड वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो बिना समय गवाए इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं कि पासपोर्ट को किस तरह से हम ऑनलाइन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना गूगल क्रोम यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो सीएससी की वेबसाइट है मैंने ओपन कर रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना cc.gov.in और यहाँ पे देखिए VLE लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे CSC कनेक्ट पर मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ और दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने अपना सर्विस पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे G2C सर्विस के अंतर्गत पासपोर्ट की सर्विस उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पासपोर्ट सर्विस है, यहाँ पे G2C सर्विस के अंतर्गत पासपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया है पासपोर्ट सेवा, तो यहाँ पे RPO एरिया यहाँ पे आपको डाल लेनी है। तो दोस्तों चूँकि मैं वाराणसी में रहता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लखनऊ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और लखनऊ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे पासपोर्ट सेवा यहाँ पे खुल के आ चुका है, पासपोर्ट की ये वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर लिया हमने, उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ चुके हम अब क्लिक हेयर टू फील द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा अक्षर को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट है और उसके बाद यहाँ पे रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट है, यानी पहले से आपने अगर इश्यू कर रखा है तो आपको रीइश्यू करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है नॉर्मल है या तत्काल है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों कि आप ट्रेन के लिए तत्काल का टिकट लेते हो, ठीक है, तो उसी तरह से आप तत्काल के लिए यहाँ पे पासपोर्ट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तत्काल के लिए आवेदन करते हैं तो क्या है कि आपको चार्जेस ज़्यादा पे करने होंगे। ठीक है, और यदि आप नॉर्मल करते हैं तो आपसे नॉर्मल चार्ज लिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो 36 पेज में है या फिर 60 पेज में। ठीक है, तो आप कौन सा अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं इसके बीच के डिफरेंस को मैं समझा देता हूँ आपको कि 36 पेज क्या है और 60 पेज क्या है। तो दोस्तों ये जो 36 पेज है आपका, इसमें करीब 31 पेज का इमिग्रेंट स्टैम्प होता है, यानी 31 बार आप वीज़ा के लिए 31 बार आप वीज़ा ले सकते हैं। और जो आपका 60 पेज का होता है पासपोर्ट आपका, तो उसमें आप 55 इमिग्रेंट स्टैम्प आप यहाँ पे वीज़ा ले सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये आपका डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ से फ्रेश सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 36 पेज के लिए अप्लाई करता हूँ। और दोस्तों ये 36 पेज आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा और ये 60 पेज आपको महंगा पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पे नेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। और देखिए दोस्तों ये हमारा फॉर्म खुल के आ चुका है और आप यहाँ से यहाँ पे नाम अपना आप फिल कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना यहाँ पे नाम फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सरनेम यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद अपना यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मेल है या फीमेल है। उसके बाद अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर फिल कर सकता है। फिर आता है यहाँ पे फ्रेंड्स, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी और नाम से आप जाने जाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का दो नाम होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर किसी का दो नाम है तो यस अप्लाई करें, अगर एक ही नाम है तो यहाँ पे नो अप्लाई करें। फिर पूछ रहा
हैव यू एवर बीन चेंज योर नेम, क्या आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं? तो यस करना है तो यस कर लीजिए दोस्तों, या फिर नो कर लीजिए। फिर दिया है डेट ऑफ बर्थ, तो इस बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आपका जो जन्म है वो क्या अपने देश से बाहर हुआ है, यदि है तो यहाँ पे यस कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि किस शहर में, किस गांव में, किस सिटी में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, और वहाँ का आप स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर यदि और यहाँ पे मल्टी लिस्टेड है सबसे पूछ रहा है, यानी कि आपकी जो शादी हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, ठीक है, तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई बर्थ है या फिर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, नेचुरलाइजेशन या डिसेंट, ठीक है, तो जो आपका है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है पैन, अगर पैन अवेलेबल है तो आप यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर का आईडी है तो यहाँ पे वोटर आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप, ठीक है, तो यदि आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा लिस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर पूछ रहा है इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि पेरेंट्स आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे खुल रहा है ग्रेजुएट एंड अबव, 5 पास एंड और लेस, बिटवीन 6 एंड 9 स्टैंडर्ड या 10 पास और एंड अबव, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देख लीजिए नॉन ECR कैटेगरी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नॉन ECR कैटेगरी के बारे में यहाँ पर ढेर सारी सूचनाएं दी हुई है, ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो नॉन ECR कैटेगरी को यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ से यस ऑप्शन, यहाँ पे नो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दिया है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क दिया है, और यहाँ पे दिया है विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ये नेसेसरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आधार नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, इफ़ अवेलेबल पूछ रहा है, ठीक है, यदि है तो ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आ गया आई एग्री, ठीक है, आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे सेव माई डिटेल पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अगले स्टेप में आप चले जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, ठीक है, तो यहाँ पे सेव सक्सेसफुली पे आ चुका है, और यहाँ पे मैं फिर नेक्स्ट पर, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपसे ये फैमिली डिटेल्स मांगने लगा, ठीक है, स्टेप थर्ड, तो यहाँ पे फैमिली डिटेल्स यहाँ पे मांगने लगा, तो फैमिली डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे डाल दीजिए, फिर फादर नेम का जो सर नेम है वो यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे फिल कर लीजिए, फिर यहाँ पे सर नेम अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। फिर पूछ रहा है लीगल गार्जियंस गिव नेम, ठीक है, अगर कोई है गार्जियन, ठीक है, लीगल आपका, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, फिर उनका सर नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर स्पाउस नेम, ठीक है, स्पाउस नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर सर नेम, तो यहाँ पे इतना डालने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे पासपोर्ट टाइप यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स, यहाँ पे फैमिली डिटेल्स, ठीक है, उसके बाद देखिए तीन स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा ये प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस में यहाँ पे पूछ रहा है इज़ योर पेरेंट्स एड्रेस आउट ऑफ इंडिया,
यदि आपके पेरेंट आउट ऑफ इंडिया है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर रिसाइडिंग सिंस, ठीक है, और तो यहाँ पे रिसाइडिंग का यहाँ पे कब से कब तक वो वहाँ पर हैं तो इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हाउस नंबर यहाँ से पूछ रहा है, हाउस नंबर टाइप कर दीजिए, जो आपका विलेज है या सिटी है, टाउन है, वो अप्लाई कर दीजिए और स्टेट यहाँ से फिल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है पुलिस स्टेशन, पिन कोड अपना यहाँ पे डाल लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब आप यहाँ से प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस में फिल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन पर यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे हमने फिल कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेम एंड एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, तो इन सबको कम्प्लीटली भर करके आप यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं फिल कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे इतना कम्प्लीटली भरने के बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली सक्सेसफुली फिल हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, ठीक है। तो नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस पूछा जा रहा है, यानी कि कौन कौन लोग आपको आइडेंटिटी के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ पे नाम लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम टाइप कर ले रहा हूँ, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, और सेकेंड व्यक्ति का रेफरेंस नेम, ठीक है। तो ये दोस्तों सिर्फ आपको बताने के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव माय डिटेल्स, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो पहले सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस मैंने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, और नेक्स्ट बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आ गया है प्रीवियस पासपोर्ट, फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर हेल्ड या होल्ड एनी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, क्या आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट है। तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो दोस्तों आपने फ्रेश अप्लाई किया था तो यहाँ पे आप अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है सेकंड ऑप्शंस, हैव यू एवर बीन अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड, मतलब कि आपने पहले कभी अप्लाई किया था और वो इश्यू नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर यस है तो यस अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे नो है तो नो अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर नो और नो अप्लाई करके यहाँ पे सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पे हमारा फॉर्म कम्प्लीटली भरा जा चुका है, और यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे अदर डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अदर डिटेल्स के अंतर्गत यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ, यहाँ पे दोस्तों अदर डिटेल्स के अंतर्गत पूछा जा रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देर आर एनी क्रिमिनल, ठीक है, प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, ठीक है। यानी कि किसी तरह से आपका कोई अरेस्ट वारंट है या फिर किसी तरह का क्रिमिनल केसेस है, तो अगर आपका है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। फिर आपका सेकेंड आपसे यह हेडलाइन यहाँ पर दिया हुआ है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट, यानी कि जो एप्लीकेंट है अगर वो कोर्ट के द्वारा अगर दोषी है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट आपने अप्लाई किया था और आपको रिफ्यूज़ कर दिया गया या फिर डिनाइड कर दिया गया। तो अगर यस है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो, यानी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है
हैव यू एवर बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, ठीक है, यानी आपको कभी मना किया गया हो पासपोर्ट के लिए, तो यदि है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है, फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट पासपोर्ट हैज़ एवर बीन इम्पाउंडेड रिवोक, हैव यू पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंडेड रिवोक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा ऑप्शन है यस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे दिया है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड फॉर अप्लाइड और बीन ग्रांटेड, ठीक है, पॉलिटिकल एज्यूम असाइलम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका यस है ऑप्शन तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। फिर पूछ रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आपका ऑप्शन है यस या नो, ठीक है, आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे मेरा ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सेव नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारा पासपोर्ट जो है प्रीव्यू यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है, पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए पूरा प्रीव्यू यहाँ पे जो हमने फॉर्म को कंप्लीट किया था ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपसे प्लेस पूछा जा रहा है, प्लेस एंड डेट। तो आज का डेट है 28/11/2016, चूँकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने फॉर्म को यहाँ पे सेव पर क्लिक करके यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन हमारा यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है और यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली जो हमने फॉर्म भरा हुआ है ये पूरा प्रीव्यू आ चुका है। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट आप ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पर क्लिक करके लास्ट में यहाँ पर प्रिंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रिंट आप इसको ले लीजिए। प्रिंट लेने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू अपना चेक कर लीजिए। प्रीव्यू चेक करने के बाद दोस्तों आपको अगर SMS सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये जितना इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है सब अपना पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर पे एंड सबमिट बटन, ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा पे एंड सबमिट बटन। तो पे एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है देखिए योर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली पेमेंट डिटेल्स आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल दिया हुआ है, उसके बाद पासपोर्ट फॉर्म सबमिटेड 100 रुपीज़, तो यहाँ पे 100 रुपये आपको पेमेंट करने हैं। तो आप यहाँ आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे OMT ID डालनी है और यहाँ पे वैलिड पासवर्ड, और इतना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली इसको पे कर देना है। पे करने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद जब खोलेंगे, ठीक है, अपना पोर्टल जहाँ पे अपने लॉगिन कर रखा है, तो दोस्तों पोर्टल पर जाने के बाद आपको वहाँ पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1600 रुपये के आसपास आपको वहाँ पे आपको पे करने होंगे, ठीक है। पासपोर्ट की साइट पर वहाँ पे डायरेक्टली आप जाएंगे और वहाँ पर दोस्तों आपको एक शेड्यूल सेलेक्ट करना है। शेड्यूल सेलेक्ट करके आपको किस तारीख को आपको आपके ऑफिस पर आपको जाना है, ठीक है, तो उस तारीख को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने के बाद वहाँ पे आपका सारा वेरिफिकेशन होगा। आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले जाना है, ठीक है, जो आपके क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स है वो आप ले लीजिए, ठीक है। क्वालिफिकेशंस का डिटेल लेने के बाद आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड, जो भी आपके पास ID है, सभी प्रमाण पत्रों के साथ वहाँ पर जाना है, वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है, और बाकी आगे की कार्यवाही, ठीक है, वहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएगी।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर दोस्तों आपको यदि दोस्तों आपको वीडियो ये आपको पसंद आया तो यहाँ पे देखिए लाइक का बटन है, लाइक करें इसको, ठीक है, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे इसको शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें आप लोगों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और अपना सीएससी से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियो जो मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ ये डायरेक्टली आपके ईमेल के इनबॉक्स में आपको मिले, तो यहाँ पे दोस्तों ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।